हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अभी जो लेटेस्ट में कौन कौन सी भर्तियां चल रही हैं जिसका फॉर्म भरना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप की भर्ती आ चुकी है। ठीक है, काफ़ी टाइम से इसका विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे। तो इसके अंदर जो फॉर्म शुरू हुए हैं ना वो 23 अक्टूबर यानी कि आज से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं जो 12 नवंबर तक भरे जा सकेंगे। ठीक है, जिस विद्यार्थी ने भी 10वीं और 12वीं कर रखी है वो जाके इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप AOC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पर CTET सेंटर की, जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा होती है CTET की, उसके फॉर्म भी आ चुके हैं। इसका भी इंतजार काफी टाइम से विद्यार्थी कर रहे थे। तो इसके जो फॉर्म शुरू होंगे वो होंगे 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक इसके फॉर्म चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है CET, ये अपने राजस्थान की है समान पात्रता परीक्षा। तो इसके अंदर जिन्होंने 12वीं कर रखी है ना ये उनके लिए है। ठीक है, वो इस फॉर्म को भर देना। और अभी तक जो सूचना मिल रही है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है उनके भी जो CET का फॉर्म है उसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। तो इसीलिए जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इन परीक्षाओं के फॉर्म नहीं भरे हैं तो वो जाकर इनके फॉर्म जल्दी से भर देना। ठीक है, और तैयारी करते रहिए। अभी 1-2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि 2023 तक अब इन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है क्योंकि चुनाव भी हैं 2024 में, तो 10 लाख नौकरियां देने का बात कही गई है। ठीक है, और जितने भी विभाग या सेंटर के वहां पर इन्होंने भेज दिया है कि आप लोग बताइए कि आपके विभाग में कितने पद खाली हैं। तो इसीलिए जो सेंटर की तैयारी कर रहा है, जो स्टेट की तैयारी कर रहा है, आप लोग तैयारी करते रहिए, बिंदास तैयारी कीजिए, फर्स्ट क्लास की तैयारी कीजिए। ठीक है, लेकिन पढ़ना रेगुलर है, दीपावली है, ठीक है, कल दीपावली है, लेकिन आपका त्यौहार उसी दिन होगा जिस दिन आप नौकरी लग जाओगे। ठीक है, त्यौहार मनाइए, खुशियों से मनाइए। ठीक है, और अगला साल यानी कि 2023 आते आते आपके पास एक बेहतरीन नौकरी भी होनी चाहिए, यानी कि अगली दीपावली के समय आप एक नौकरीधारी व्यक्ति होने चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।